ये जो आप नन्हे नन्हे से प्लांट देख रहे हैं ना, ये बहुत जल्दी बहुत बड़े बड़े पेड़ होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों ये छोटे छोटे प्लांट जो है बहुत बड़े पेड़ होते हैं। कनेर है, अनार है, खजूर है, और साथ में ही ये जो आप देख रहे हैं आंवला है। ये सारे प्लांट जो है बीज से ही ग्रो हुए हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, रोड साइड पर बहुत ही खूबसूरत प्लांट लगे रहते हैं, और हम अक्सर देखते हैं इनके जो फूल है ये कागजी, ये इधर उधर उड़ते रहते हैं। तो दोस्तों इस तरह के प्लांट आप ज़रूर लगाइए। ये जो प्लांट होते हैं ये बहुत कम मेहनत में आपको बहुत अच्छी जो है सर्विसिंग देते हैं, मतलब फ्लावरिंग बहुत अच्छी देते हैं। और दोस्तों इनको कम पानी और ज़्यादा धूप में रखना होता है, और आप चाहे तो अगर आपका मन हो तो आप इसमें टाइम टाइम से जो फर्टिलाइज़र दीजिए। अगर नहीं भी देंगे तो ये ईमानदारी से आपके यहाँ पर फ्लावरिंग करते रहते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो आप मोगरा का प्लांट देख रहे हैं, तो मैं क्या करती हूँ, जैसे कटाई छटाई करती हूँ तो जो डंडियाँ वगैरह निकलती है वो डिकम्पोस्टिंग के लिए जो गमलों में भर देती हूँ, तो उसी में से ये बेल वाला जो मोगरा है तो उसी में से निकल कर आ गया है। और दोस्तों कभी कभी इस तरह के काम भी हो जाते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि मैंने कटिंग ग्रो नहीं की थी, मेरे पास वैसे मोगरा के दो तीन प्लांट पहले से ही है। और नागचंपा में भी अब दोस्तों फूल खिलने लगे हैं जो बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन दोस्तों नागचंपा के फूलों में खुशबू नहीं होती है, लेकिन जो चंपा होता है उसमें खुशबू होती है, और बहुत ही प्यारी प्यारी भीनी भीनी सी खुशबू होती है। वैसे मेरे पास बहुत बड़ा प्लांटर नहीं है इसका, वरना बहुत ज़्यादा फूल आते। और साथ में दोस्तों यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, मैं अक्सर आपको अपडेट शेयर करती रहती हूँ। आपने देखा होगा मैंने बोगनविलिया की कटिंग लगाना भी बताया था, और आज आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरह से फूल खिल रहे हैं। दोस्तों अगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों पर पैसे वेस्ट नहीं करना चाहते, वैसे पैसे वेस्ट कभी नहीं होते पौधों के लिए, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि फ्री में आप गार्डनिंग करें, तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप कटिंग से बीज से प्लांट रेडी कीजिए। घर में जो वेस्ट मटेरियल होता है, खाली डब्बे, थैलियाँ, पीपे जो भी होते हैं, जो टूटी फूटी डब्बियाँ होती हैं उनमें ही आप कटिंग लगा दीजिए, और थैलियों में बीज उगा दीजिए। तो फिर देखिए दोस्तों, इस तरह से मेरा जो गार्डन आप देख रहे हैं वो इसी तरह से रेडी हुआ है। और ऐसा नहीं है कि मैं जो है लाना नहीं चाहती प्लांट, लेकिन दोस्तों मुझे मिलते नहीं हैं, हमारे यहाँ नर्सरी वगैरह नहीं है। और अगर आप किसी के यहाँ से लेकर आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वो कटिंग दे देंगे, बीज दे देंगे, बेचते तो कोई है नहीं जो गार्डन वगैरह में प्लांट, छोटे मोटे गार्डन घर में हाउस गार्डन बने रहते हैं उनमें। तो इस तरह से दोस्तों मैंने बीज से कटिंग से ही अपना गार्डन रेडी किया है, और फिर धीरे धीरे चीज़ें कैसे बढ़ती जाती है पता ही नहीं चलता है। देखिए दोस्तों ये कितना प्यारा सा कलर है, जो डार्क कलर होते हैं ना वो क्या हो जाता है कि धूप की वजह से जल्दी फेड हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, ये जो मैंने गडालिया का प्लांट जो है रिपोर्ट किया था, तो उसके साथ ही कुछ बीज जो है हमारे गिर गए होंगे उसके, मैं आगे नाम बता दूंगी, मुझे अभी आ नहीं रहा है, तो वो ग्रो हो गए हैं। यहाँ पर अमेरिसिस लिली है, और तुलसी जी के ढेर सारे प्लांट हैं जो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो है पूरा गार्डन अभी हरा भरा है। आप देखेंगे मेरे पास कोई ग्रीन नेट नहीं है, और न ही मैंने कुछ ऐसा विशेष अपने प्लांट के लिए किया है। और अब को मैंने शुरुआत से जो नीम प्लांट है, करी लीफ प्लांट है, इसको मैंने शुरू से आपको बताया है कि किस तरह से ये प्लांट मैंने पूरा काट छाट दिया था, और आज इसमें ये तो ग्रो हुआ ही है, लेकिन जो बीज इसमें गिर गए थे वो भी सारे ग्रो हो गए। दोस्तों मिट्टी भुरभुरी होती है ना एकदम से पोरस, तो उसमें बीज ग्रो होने में टाइम नहीं लगता है। और अगर आप चाहते हैं कि प्लांट आपका घना हो जाए, और छोटे प्लांटर में भी आप इसे जो है अच्छी खासी, इससे भी हम हार्वेस्टिंग देते हैं, क्योंकि दोस्तों ये हमारे खाने में काम में लिया जाता है, तेल वगैरह बनाया जाता है। तो पिंचिंग करते रहिए दोस्तों, ऊपर ऊपर के जो मुंह होते हैं इनको आप हटाते रहिए, तो फिर क्या होगा, प्लांट नीचे से घना होता जाएगा, और इनको भी आप काम में ले लीजिए। तो इस तरह से दोस्तों छोटी मोटी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपने एक छोटे सा पिंच निकाला है, वहाँ से दो दो तीन तीन जो है ब्रांच निकलेगी, तो प्लांट तो घना होना ही था। दोस्तों इस कड़ी लीफ प्लांट में आप छाछ वगैरह का जो है प्रयोग ज़रूर कीजिए, छाछ वगैरह बहुत अच्छी होती है इन प्लांट के लिए।
यहाँ पर आप देखेंगे मेक्सिकन पिटूनिया, ये प्लांट जो है मैंने वापस से रिपोर्ट किए हैं, सारे के सारे पुराने प्लांट है ये। और दोस्तों मैं इसकी वीडियो अपलोड ही नहीं कर पाई क्योंकि बीच की जो क्लिप थी वो कहीं कब डिलीट हो गई पता नहीं चला, तो मैं आपको बता नहीं पाई कि किस तरह से मैंने इनको वापस से रेडी किया है। ये रजनीगंधा, और ये देखिए दोस्तों छोटे छोटे पॉट में इस तरह से सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं। मैं दिन भर में सिर्फ एक ही बार अपने पौधों को पानी देती हूँ। और दोस्तों थोड़ा सा जो है प्लांट का बस इतना ध्यान रखिए कि बस आप अभी मल्चिंग कीजिए और प्लांट में बहुत ज़्यादा खाद भी नहीं देनी है क्योंकि सूरज की गर्मी की वजह से जो है हम खाद जो देते हैं उससे प्लांट हमारे झुलस जाते हैं। ये देखिए दोस्तों इतनी भरी गर्मी में भी मैंने अपने बहुत सारे प्लांट को रिपोर्ट कर दिया है। ये जो मुर्गा कलगी के प्लांट हैं, येलो पिंक और रेड, ये कलर मेरे पास है। तो दोस्तों दो दो तीन तीन चार चार मैंने एक ही प्लांटर में जो है इनको रिपोर्ट कर दिया है। विनका है, कोसकोम है, कोसमोस है, जीनिया है, गजानिया है, और ये एक और नाम मुझे आ ही नहीं रहा है, वो मैंने आपको बीज दिखाए थे। और यहाँ पर देखिए अलमंडा का है। तो ये प्लांट मदर प्लांट है, कटिंग से मैंने एक प्लांट और रेडी कर रखा है, उसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। दोस्तों जो विनका के प्लांट है मैंने सारे थैलियों में ही लगाए हुए हैं, और यहाँ पर अडेनियम वापस अपनी ग्रोथ पर आ गया है, लेकिन मुझे इसके बीज चाहिए तो मैंने इस तरह से एक दो फूल छोड़ दिए थे, तो वो परिपक्व होने के बाद हम इसमें हार्वेस्ट करेंगे और नए नए प्लांट रेडी करेंगे। दोस्तों ये काला धतूरा है और ये मैंने बीज से ग्रो किया है। दोस्तों जहाँ पर भी मुझे जो भी चीज़ मिल जाती है मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वो मेरे गार्डन में होना चाहिए। तो काला धतूरा के जो फूल है मैं आपके जो स्क्रीन पर डाल दूँगी, आप चेक ज़रूर कीजिएगा, और बहुत सुंदर फूल होते हैं। देखिए दोस्तों इतनी तेज़ गर्मी में भी मेरी बगिया हरी भरी बनी हुई है। छोटे छोटे प्लांटर भी है, बहुत बड़े प्लांटर नहीं है मेरे पास। ये देखिए जीनिया कितना प्यारा सा खिल रहा है। तो कारण है मल्चिंग। दोस्तों अपने प्लांटर में मल्चिंग जरूर कीजिएगा, मल्चिंग से बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है क्योंकि मिट्टी बिल्कुल पूरी तरह से सूखती नहीं है ना, तो मॉइस्चराइजर बना रहता है प्लांटर में मिट्टी में, तो प्लांट खड़े रहते हैं। वरना अगर आप देखेंगे कि अगर आप 10 बजे तक अगर आप पानी नहीं दे रहे हैं तो प्लांट पूरे लटक से जाते हैं। तो मल्चिंग का कमाल देखिए दोस्तों, और मल्चिंग से मेरे ये फ़ायदा हो गया है कि छोटे छोटे प्लांटर में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये चंपा की जो कटिंग है मैंने इसी में लगा थी, बंदर तोड़ के जाते ही हैं तो बंदरों ने तोड़ दिया था, मैंने इसी में जो है कटिंग लगाई थी, मैं रिपोर्टिंग भी नहीं कर पाई और इसी में फ्लावरिंग हो रही है। यहाँ पर देखिए दोस्तों कनेर, इसकी रिपोर्टिंग मैंने आपके साथ शेयर की थी और आज वो प्लांट इतना हेल्दी सा हो गया है, इतने खूबसूरत फूल खिल रहे हैं। और दोस्तों मैं चाहूँगी कि अब थोड़े टाइम बाद जब ये प्लांट डोरमेंसी में जाएगा ना, तो मैं इसकी कटाई छटाई बहुत अच्छी करने वाली हूँ, डीप प्रूनिंग करने वाली हूँ, जिससे क्या होगा ये प्लांट घना हो जाएगा। देखिए दोस्तों छोटे छोटे प्लांटर में ही प्लांट लगे हैं और उसमें इस खूबसूरती से फूल खिल रहे हैं। मैं भी खुद ये सोचती हूँ कि मैं क्या ही कर पा रही हूँ इन प्लांट के लिए, सिर्फ सूखी पत्तियाँ और जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो जैसे दही दूध और जो भी पानी सब्जियों को धोने का और जो सब्जियों के छिलके वगैरह होते हैं उनको गलाकर मैं इनमें पानी देती रहती हूँ, बस उन्हीं का कमाल है दोस्तों। और आज ये प्लांट सारे इतने हरे भरे हुए, तो अपने घर की चीज़ों को वेस्ट मत समझिए, इन पर पेड़ पौधों पर आप ज़रूर यूज़ कीजिए। और देखिए दोस्तों गर्मियों के भी बहुत सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, विंटर में तो होते ही हैं लेकिन समर में भी बहुत अच्छे अच्छे प्लांट होते हैं जो धूप से ही चलते हैं। और देखिए दोस्तों प्लांटर की कमी होने की वजह से मैंने दो दो तीन तीन चार चार एक ही प्लांटर में रिपोर्ट कर दिए हैं। कनेर के प्लांट आप देखेंगे, यहाँ पर एक और चीज़ दिखाती हूँ, देखिए मैंने कॉम्बिनेशन लगा दिया है, मतलब और येलो और पिंक दोनों साथ में ही मैंने जो है, तो शायद कुछ नया हो जाए। तो इसी तरह जो है प्रयोग करते रहना चाहिए। अभी डहेलिया भी खिल रहा है, मतलब अगर मैंने गर्मी से बचा लिया तो ये बारिश में वापस से बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। गजानिया, और देखिए दोस्तों जो
विंटर के प्लांट हैं उनको थोड़ी सी धूप की ज़रूरत भी होती है और नमी की ज़रूरत भी होती है। तो थोड़ी सी जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं उनके साथ आप रख दीजिए। जटोरपा अब की बार जो है बंदरों के हत्थे चढ़ गया था। और यहाँ पर विद्या का प्लांट देखिए, देख सकते हैं दोस्तों ये टेरिस कितनी ऊपर है। जगह बहुत कम होने की वजह से जो है मतलब घर बहुत ऊंचाई पर है मेरा, तो ये सब चीज़ें लाना ले जाना मेरे लिए बहुत ही परेशानी का कारण बन रही थी। तो मैंने ये सलूशन ढूंढा कि जो वेस्ट मटेरियल है मैं लाकर हर गमले में डेली का डेली देती रहती हूँ। अभी गर्मियों में तो ठंड में नहीं देना होता है क्योंकि गर्मियों में फंगस लगने का डर नहीं होता है। धूप की वजह से ये सारी चीज़ें जल्दी सूख जाती है, जल्दी डिकम्पोस्ट हो जाती है। देखिए दोस्तों यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं उनको भी मैंने नहीं छोड़ा है और सीढ़ियों पर भी देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं। ये देख सकते हैं कितने प्यारे से लग रहे हैं, पूरा गार्डन एक झलक दिखला देती हूँ आपको। नीचे भी बहुत अच्छे अच्छे गुलाब और मोगरा और मधुकामिनी मधुमालती है और कृष्ण कमल है और इंडोर सारे प्लांट वहीं पर रखे हैं। तो दोस्तों ये चौथे माले पर बना हुआ गार्डन है और ये जो आप गार्डन देख रहे हैं दोस्तों लगभग मुझे 4-5 साल हो गए हैं गार्डनिंग करते करते। तो अच्छा लगता है, टाइम तो चलो निकाल ही लेते हैं लेकिन दोस्तों जब इनमें जब फूल खिलते हैं तो वो बहुत आनंददायक होता है। और देखिए दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो हमें हटानी पड़ती है। अब ये जो प्लांट देख रहे हैं आप तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है, फैले जा रहा है, दूसरे प्लांट को भी ख़राब कर रहा है। और यहाँ पर देखेंगे आप मैं कटिंग और बीज हर मौसम में लगाती हूँ। ये देखिए गुलदावरी की कटिंग मैंने अभी लगाई ही थी और ये जीनिया के जो फूल है वो सूखते हैं तो मैं इस तरह से बिखेर देती हूँ, ये भी ग्रो हो रहे हैं। ये गजानिया अभी अच्छी तेज़ धूप होने पर ये सारे खिल जाएंगे। देखिए टच मी नॉट प्लांट है दोस्तों और ये बीज से ग्रो हो गया है। मैंने बताया ना आपको मैं कुछ बीज संभाल कर रखती हूँ उसके बाद गमलों में वैसे ही बिखेर देती हूँ, जिसका मन हो जाता है वो गाया जाता है ना वही बीज पनपा है जिसको पनपना। इतनी तेज़ धूप में भी देख सकते हैं दोस्तों कितने अच्छे से हिबिस्कस जो है कटिंग से ग्रो हो रहा है। मतलब मैंने कई बार कोशिश की है कि बहुत सारे प्लांट ग्रो करती हूँ ना तो मैं छायादार जगह पर रखती हूँ और बहुत सारे वो जो क्या बताऊँ मैं रूटीन हार्मोन्स लगाते हैं हम, पर वो ग्रो नहीं हो पाती है और ये वैसे ही मैंने दबा दी थी मिट्टी में और ग्रो हो रही है। तो सब प्रकृति है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये काला धतूरा बीज से ग्रो किया था मैंने, तो बहुत सारे प्लांट तो मैंने रिपोर्ट कर दिए हैं, बहुत सारे अभी बाकी है। और यहाँ पर भी देखिए, और दोस्तों अभी तो मैं नाम मुझे आ भी नहीं रहा है और मैं जब भी नाम याद आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। ये विंटर का ही प्लांट है और समर में भी इनमें हल्की फुल्की फ्लावरिंग होती है। देखिए दोस्तों हिबिस्कस कितने सुंदर फूल खिल रहे हैं, देसी हिबिस्कस है। और देखिए दो प्लांट एक साथ लगाने का कमाल क्या है कि दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे हैं साथ में। यहाँ पर देखिए दोस्तों डेंटस्ट ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। इस तरह मेरा पूरा गार्डन अभी जो है फूलों से भरा हुआ है, हरा भरा है। ये इलायची का प्लांट है और ये मैं ख़रीद कर लेकर आई थी दोस्तों, ये जो गवर्नमेंट नर्सरी होती है वहाँ से लिया था, तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, शायद 50 से 60 रुपए का ही था। इस तरह देख सकते हैं पूरा गार्डन, मैं एक साथ दिखा देती हूँ कि किस तरह से जो है पूरा गार्डन चल रहा है। और यहाँ पर चांदनी प्लांट है, ये देखिए इसमें भी अच्छी खासी फ्लावरिंग हो रही है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, गार्डन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।